ओके सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेन जिसका मैं यूज़ करूँगा, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप सिंपली वीडियो देखने बाद जगह डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो गाइस, उसके बाद आप सभी फिर करना, आप सभी चले जाना है ऐसे ऐड फोटो में। एंड आप सभी को अपने मॉडल को ऐड कर लेना है। एंड गाइस, जो मॉडल का जो बैकग्राउंड है मैंने पहले से इरेज कर रखा है। एंड जिसको इरेज करना नहीं आता, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो तीन वीडियो के लिंक दे रखे हैं। आप कोई सी वीडियो को वॉच कर लेना, आपको ईजिली समझ आ जाएगा उससे। ठीक है, तो उसके बाद आप सभी को क्या करना है, आपका जो मॉडल होगा वो कुछ इस टाइप से लगाने के बाद आप सभी को यहाँ सिंपली डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को चले जाना है ऐसे ऐड फोटो में। एंड ऐसे ऐड फोटो से जाने के बाद आप सभी को ये मास्क का पीएनजी मिल जाएगा। तो गाइस, इस पीएनजी को जो है गाइस, आप सभी को कुछ अपने फेस के पास कुछ इस टाइप से रखना है। एंड जो गाइस आपको क्रॉस वाला जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें आप सभी को वो आपके आई के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो इस साइज से रख लेना। एंड उसके बाद आप सभी उसको ओपेसिटी कम कर लेनी है। एंड इरेजर टूल में जाकर हार्डनेस को फुल करके एंड साइज को अपने हिसाब से रख के एंड फोटो को जूम करने आप सभी को अपने हैंड के एरिया से कुछ इस टाइप से इरेज कर लेना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से इरेज कर लेना है एंड अच्छे तरीके से करना बिल्कुल। एंड उसके बाद आप सबको इरेज करने के बाद आप सबको फ्री करना, मैं आप सबको बताता हूँ। ओके सो गाइस, इसके बाद आप सबको यहाँ से चले जाना है इस ब्यूटी वाले ऑप्शन में। ब्यूटी वाले ऑप्शन में जाने के बाद गाइस, आप सबको इसमें आप सबको आई लेंस का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप सबको आई कलर के ऊपर चले जाना है। एंड यहाँ से आप सबको जो है गाइस ये ब्लू वाला सिलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद आप सबको फिर करना है, यहाँ से आप सबको टैप करना है एक बार। एंड उसके बाद आप सबको जूम करना है एंड अपने आई के पास इसको एकदम सेट कर लेना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सबको फिर चले जाना है ऐसे इरेजर टूल में। ठीक है, साइज वाइज को आप अपने हिसाब से रख सकते हो। एंड उसके बाद इरेजर टूल में जाना है एंड यहाँ से आप सबको नीचे से एंड ऊपर से इरेज कर लेना है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, जिस टाइप से इरेज कर लेना है। एंड जो अगर इसकी ओपेसिटी अगर आप सबको कम लगे तो आप इसकी ओपेसिटी को बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, तो पहले तो हम दूसरे वाले आई को इरेज कर लेते हैं यहाँ पे। एंड उसके बाद आप सबको यहाँ से डन कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद हम थोड़ी सी ओपेसिटी की पहले बढ़ा लेते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे डन कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारी आई भी लग चुकी है। अब आप सबको गाइस करना है कि आप सबको यहाँ से चले जाना है दोबारा ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सबको फिर क्या करना है, आप सबको एक पीएनजी दे दूंगा गाइस मैं। ठीक है, तो ये पार्टिकल का पीएनजी। एंड इसको आपको क्या करना है, आप सभी को इसको पहले तो लेके चले जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन में, फिर आप सबको इसको ले जाना कलर्स में। कलर्स में ले जाने के बाद आपको कलराइज पे क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद यहाँ पर डन कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप सबको फिर करना है, आप सबको जाना है यहाँ से ब्लेंड में। ठीक है, ब्लेंड में जाने के बाद इसको स्क्रीन कर देना है एंड इसको जूम करके कुछ इस टाइप से यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, एंड गाइस जो फेस पे जो एरिया आ रहा हो उसको आप इरेज कर लेना है ऐसे। इरेजर टूल में जाएंगे, इरेजर पे जाएंगे एंड यहाँ से जो फेस पे एरिया आ रहा है उसको हम इरेज कर लेंगे। एंड आप सिंपली डन वाला ऑप्शन में क्लिक करके ओपेसिटी को थोड़ा माइनस करके एंड यहाँ पर कर देंगे डन। ओके सो इतना कर देने के बाद डन कर देंगे। एंड उसके बाद आप सबको फिर करना है, आप सबको दोबारा ऐड फोटो में चले जाना है। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सबको ये विगनेट का पीएनजी दे दूंगा मैं। आप सबको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको फुल स्क्रीन करके कुछ स्टेप्स ऐड कर देना है, ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको डन कर देना है। एंड उसके बाद आप सबको फिर करना है, आप सबको इस फोटो को सेव कर लेना है एंड इसको लेकर चले जाना है लाइट रूम ऐप में। ठीक है, तो इसको हम लाइट रूम ऐप में ले चलते हैं। एंड लाइट रूम ऐप में ले जाने के बाद आप सबको साइड में दिख रहा होगा लाइट वाला ऑप्शन, तो आप सबको सिंपली इस पर चले जाना है। एंड उसके बाद आप सबको इसका पहले तो शेडो बढ़ा देना है। ठीक है, शेडो जो हल्का सा शेडो बढ़ा लेते हैं। एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ पे क्या करना है, आप सभी को इसका थोड़ा ब्लैक कम कर देना है। एंड उसके बाद आप सभी को इसमें थोड़ा सा एक्सपोजर जो है इसका आपको माइनस की तरह रखना है एंड हल्का सा इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देना है। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देंगे। एंड उसके बाद आपको हाईलाइट जो है इसका आपको हाईलाइट इंक्रीज कर देना है। एंड उसका चले जाना आपको कलर्स वाले ऑप्शन में। फोटो का जो वाइब्रेशन है आप सभी को उसको बढ़ा देना है एंड जो फोटो में टेम्परेचर है वो भी हल्का सा डाल देना है। एंड उसके बाद चले जाना कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर को सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन को जो है आप सबको प्लस कर देना है थोड़ा एंड जो ल्यूमिनस इसको बढ़ा देना है। एंड उसके बाद आप सबको चले जाना है येलो कलर में, इसका ह्यू माइनस कर देना है एंड सैचुरेशन प्लस कर देना है। एंड चले जाना है डार्क ब्लू में, इसका जो ह्यू है आप अपनी मर्जी से रख सकते हो। ठीक है, एंड इसका सैचुरेशन प्लस कर देना एंड इसको डन कर देना है। एंड उसके बाद आप सबको चले जाना है ऐसे नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी है आप सबको उसको इंक्रीज कर देनी है एंड जो फोटो विगनेट है वो जरूर डालना है। ठीक है, एंड उसके नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको ग्रीन अमाउंट मिल जाएगा, उसको भी बढ़ा देना है। एंड उसके बाद चले जाना नीचे वाले टूल में, फोटो जो शार्पनेस आपको उसको इंक्रीज कर देना है। एंड गाइस जो नोड डायरेक्शन आप सभी को उसको भी बढ़ा देना है। एंड नीचे आप सबको मिलेगा कलर नोड डायरेक्शन, तो आप सभी को उसको भी बढ़ा देना है। ठीक है, तो गाइस फाइनली जो फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने है। तो गाइस आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए होता है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए गाइस, मिलता हूं सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।